शासन की जो भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के सभी लाभार्थियों के खाता से आधार सीडिंग का कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में जो मदरसे हैं जो उनमें अध्ययनरत छात्र हैं उनका भी जो अकाउंट है जो उनके नाम है जो रजिस्ट्रेशन हैं उन सबसे आधार सीड कराया गया है। तो आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अब तक, ऐसी संख्या लगभग 9000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे, इसके बारे में अब सफेद कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अगले तक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कहा जा रहा है कि 3,60,00,000 रुपये की जो है स्वाभाविक है, जो बच्चे रजिस्टर्ड थे उन्हें छात्रवृत्ति भी आती थी, जो छात्रवृत्ति आती थी उसको अगर आप योग करेंगे मासिक या एनुअल तो इतनी ही रकम लगभग बैठी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में मदरसों को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल हरदोई जनपद में कुल 141 मदरसे संचालित हैं जिनमें 25,944 छात्र पंजीकृत थे जिनको लगातार छात्रवृत्ति दी जा रही थी, लेकिन शासन के निर्देश पर जब यूडाइस के जरिए इनके आधार वेरिफिकेशन कराए गए तो 10,000 से अधिक छात्र गायब मिले, जिसको लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जिसके बाद DM मंगला प्रसाद सिंह ने जाँच के निर्देश दिए हैं। इंद्रेश दीक्षित, भारत 24, हरदोई।